का पंचनामा 2 उन लड़कों की कहानी है जो अपनी गर्लफ्रेंड्स द्वारा प्रताड़ित हैं। गर्लफ्रेंड्स को वे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड्स उन्हें यूज करती है। यह फिल्म लड़कों के दृष्टिकोण से बनाई गई है और लड़कियों के खिलाफ है। फिल्म के मुताबिक लड़कियां बेहद स्वार्थी होती है और प्यार के नाम पर लड़के को बॉडीगार्ड, ड्राइवर और एटीएम बना लेती है। लड़कियों से कुछ पाने की आस में लड़के उनके सारे नखरे सहते हैं और कुत्ता बनकर रह जाते हैं। निर्देशक लव रंजन ने फिल्म को दिल्ली में रहने वाले 3 लड़कों गोगो, ठाकुर और चौका के माध्यम से दिखाया है। ये लड़के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अच्छा खासा कमाते हैं। इन तीनों की लाइफ में चीकू, सुप्रिया और कुसुम की एंट्री होती है। लड़की के चक्कर में पहले तो ये उनकी हर फरमाइश पूरी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ आता है कि लड़कियां इन्हें बेवकूफ बना रही हैं। फिल्म की कहानी साधारण है और सभी लड़कियों और लड़कों को एक निगाह से देखती है, जबकि सभी एक से हों जरूरी नहीं है। तीनों लड़कों की प्रेम कहानियों में सुप्रिया और चौका वाला ट्रैक सबसे अच्छा है और भरपूर मनोरंजन करता है। लव रंजन के निर्देशन में भले ही कल्पनाशीलता का अभाव हो, लेकिन उनके लेखकों ने कुछ हद तक फिल्म को संभाल लिया है। फिल्म में लगातार गुदगुदाने वाले सीन आते रहते हैं जो लड़कों की मनोदशा को अच्छे से दर्शाते हैं। एक खास उम्र में लड़कियों को पाने के लिए लड़के किस हद तक जाते हैं, ये बात फिल्म में अच्छे से दिखाई गई है। लड़कियों के किरदार एक ही सांचे में ढले नजर आते हैं, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। फिल्म क्या कहना चाहती है, इसे एक मोनोलॉग से समझा जा सकता है, जिसका सार ये है कि रिश्वत की शुरुआत महिलाओं ने ही की है, क्योंकि वे रिश्वत लेकर ही कुछ देती हैं। और लड़के कब तक यह सहते रहेंगे, इससे अच्छा तो ये है कि अपने हाथ से शादी कर लें। तीनों लड़कों की ट्यूनिंग जबरदस्त है और उनके साथ वाले दृश्य बेहतरीन बन पड़े हैं। फिल्म के संवाद चुटिले हैं और गुदगुदाते रहते हैं। अब शब्दों का फिल्म में जमकर प्रयोग हुआ है। बीप के जरिए इन्हें म्यूट किया गया है, लेकिन किरदार क्या बोल रहे हैं ये समझना आसान है। कार्तिक आर्यन, सनी सिंह और ओंकार कपूर की एक्टिंग शानदार है। उन्होंने अपने किरदारों को बारीकी से पकड़ा है। लड़कियों के किरदार नुसरत भरूचा, इशिता शर्मा और सोनाली सहगल ने निभाए हैं और इनसे जमकर ओवर एक्टिंग कराई गई है। फिल्म के गाने बेदम है। प्यार का पंचनामा 2 के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये अपने पहले भाग की तरह है, लगभग उसी तरह की कहानी और किरदार, जिससे ताजगी महसूस नहीं होती। हाँ, जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है उन्हें यह फिल्म ज्यादा मजा देगी। कुल मिलाकर टाइम पास मूवी है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।